हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों ये हमने आज 3 HP का सिस्टम चालू किया है और ये मोनो ब्लॉक यहाँ पे चलाया है, क्योंकि दोस्तों पहले ये समर्सिबल चलता था, उसके माध्यम से सिंचाई होती थी। आप वीडियो पूरा जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 3 HP का हमने समर्सिबल की जगह मोनो ब्लॉक चलाया है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि नॉर्मल पंप जो अगर हम चलाते हैं दोस्तों, जब मौसम साफ होता है तो ये इतना पानी प्रेशर का देता है। सेम मोटर लगी हुई है लूबी की, MDS 353 मॉडल, और आप प्रेशर इसका देखिए। क्योंकि दोस्तों जो अभी मैं आपको सिस्टम दिखाने वाला हूँ उसमें आज ये सुबह लगभग 9:30 बजे हमने सिस्टम ये चालू किया है, तो मौसम में धूप बहुत कम है तो उसकी वजह से पानी का प्रेशर नहीं आ पा रहा है। चलिए दिखाते हैं दोस्तों। ये रहा, आप देख सकते हैं कि लूबी का MDS 353 मॉडल है, अभी भी इसके मुंह पर 4 इंची का जो बैंड है वो लगा हुआ है। पानी ठीक ठाक दे रहा है लेकिन प्रेशर नहीं आ रहा है। प्रेशर नहीं आने की वजह दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप देख रहे हैं कि बरसात के दिन यहाँ पे चल रहे हैं, और बरसात के मौसम में आसमान में बादल कभी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कोई खास धूप यहाँ पे नहीं है। टोटल दोस्तों ये 9 पैनल लगे हैं, जिसमें कि 335 वाट का एक सोलर मॉड्यूल है, और ये दोस्तों विक्रम कंपनी के 335 वाट के पॉली क्रिस्टलाइन पैनल हैं, और टोटल जो पावर यहाँ पर बन जाती है वो लगभग 3 किलोवाट के आसपास बन जाती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सिस्टम है, अभी इसके पास आपके जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर रोटोसोल का कंट्रोलर लगा हुआ है, 3 HP का जो रोटोसोल का पंप कंट्रोलर आता है, क्योंकि ये सब्सिडी के माध्यम से मिला था, लेकिन यहाँ पे समर्सिबल का बोरिंग है तो समर्सिबल इससे इसके माध्यम से ये चलाते थे, तो दोस्तों उसमें पानी बहुत कम मिलता था, 2 से 2.5 इंच। आप ये पाइप देख रहे हैं, ये काले कलर का पाइप पड़ा हुआ है, ये समर्सिबल वाला इसका पाइप है जो हम बोरिंग में डालते हैं। लगभग 70-80 फीट लटा के इन्होंने डाली हुई थी 6 इंची के बोरिंग में, लेकिन उसमें मजे का पानी इनको नहीं दे रहा था, 2 से 2.5 इंच पानी देता था और जल्दी बंद हो जाता था और लेट चालू होता था। ये आप देख सकते हैं, ये रोटोसोल का कंट्रोलर है, एशिया RA 3000 मॉडल है। ये आप देख सकते हैं सब्सिडी के माध्यम से मिला था दोस्तों, 2022 वाली योजना में उसके माध्यम से इसको ये चलाते थे। तो इन्होंने हमारा वीडियो देखा, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम किसी के पास अगर सब्सिडी के माध्यम से समर्सिबल लगा हुआ है, पानी कम देता है, और वाटर लेवल अगर आपके यहाँ पे 20-25-30 फीट तक है, तो आपको किस प्रकार से उससे मोनोब्लॉक चलाना है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इन्होंने हमको कॉन्टैक्ट किया, इन्होंने बोला कि भैया मेरे पास ये कंट्रोलर है, इसके माध्यम से चल जाएगा नहीं चलेगा। हमने कहा कि हाँ भाई हम देखते हैं, तो दोस्तों इनका जुगाड़ किया और आज आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पूरा मोनोब्लॉक इनका चला दिया है। पानी का प्रेशर आपको जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कम क्यों लग रहा है, कि अभी मौसम में धूप नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि बरसात का जो मौसम चल रहा है और जो आसमान साफ नहीं है, और देख रहे हैं यहाँ पर फिर भी उसके बावजूद भी 4 इंच पानी है दे रहा है। दोस्तों इसकी कीमत के बारे में भी बताऊंगा, मैंने पहले ही बताई है कि आपको इसकी कीमत कितनी पड़ने वाली है, और आप पूरा नया सिस्टम लगाते हैं तब कितनी पड़ेगी, और सेकेंड हैंड लगाते हैं तब कितनी पड़ेगी। और देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं धानों का भी आपको दिखाते हैं, ये इसी के माध्यम से सींचा जाता है पहले के मुकाबले। अभी इनसे मैंने भाई से पूछा तो कह रहे भैया अब तो मेरी पहले से लगभग 2 गुना ज़्यादा फसल की सिंचाई इससे हो रही है मोनोब्लॉक के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों समर्सिबल था, 2 से 2.5 इंच पानी देता था, कमी थी उसमें कुछ नहीं थी, लेकिन ज़्यादा गहराई होने की वजह से, फिर समर्सिबल पंप था तो इसलिए पानी वो कम देता था, लेकिन यहाँ पर वाटर लेवल इनसे पूछा तो कह रहे भैया 20 फीट के आसपास मेरा वाटर लेवल है, आप मोनोब्लॉक चला दीजिए। तो देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से मोनोब्लॉक इनका चला दिया गया है, और पूरा अभी भी 4 इंच पानी दे रहा है। रही बात प्रेशर की दोस्तों, जैसे ही धूप तेज़ी से पड़ती है इसके ऊपर, जब मौसम साफ होता है तो इसमें अच्छा खासा प्रेशर इसमें 4 इंची का आने लग जाता है। और दोस्तों अब आप बोलेंगे कितना पानी देता है 4 इंची के प्रेशर में ये पंप, तो उसका मैं डेमो आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि अगर मौसम साफ होगा, धूप अगर 70-80% मौसम में होगी, तो देख रहे हैं इतना ज़बरदस्ती ये 4 इंच प्रेशर का पानी यहाँ पर निकाल देता है। देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मौसम साफ है, और ये आप सेम वही मोटर है लूबी की MDS 353, सेम पावर लगाई गई है, यहाँ पर भी 335 वाट के, इस पर 9 पैनल लगे हैं, अभी आपको पैनल भी दिखाएंगे, तो ये इतना पानी ज़बरदस्त प्रेशर का निकाल देता है। थोड़ा वाटर लेवल का अंतर है दोस्तों, जहाँ पर ये चल रहा है यहाँ लगभग 15 फीट है, और जहाँ पर वो चल रहा है वो 20 फीट है, तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। वैसे तो अभी बरसात के दिन है तो वाटर लेवल ऊँचा ही उठ रहा है, नीचा नहीं जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ये भी 3 HP का मोनोब्लॉक है, लूबी कंपनी का MDS 353 मॉडल, आप देखिए इसको, ये रहा। और दोस्तों अब इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर सब्सिडी के माध्यम से आप इसको लगवाते हैं तो लगभग मान के चले 85,000 से 90,000 रुपया आपको बैंक में ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है, लेकिन जब वो योजना निकली हुई हो, चालू हुई
हुई हो तब, क्योंकि उसमें आपको 60-70% तक छूट मिल जाती है। वहीं आप इसको प्राइवेट में लगवाते हैं तो दोस्तों इसकी जो कीमत है वो आपकी 1.5 लाख प्लस आने वाली है। देखिए आप पैनल यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 9 पैनल लगाए गए हैं, ये भी नए पैनल यहाँ पे लगाए गए हैं और बिल्कुल दोस्तों इसके माध्यम से चलाया गया। यहाँ पर INBAT की 3 HP की ड्राइव लगाई गई है 3 फेज। जो रोटोसोल का कंट्रोलर था दोस्तों वो भी 3 फेज आउटपुट दे रहा था, उसके माध्यम से चलाया था। मौसम साफ हो तो इतना 4 इंच जबरदस्त प्रेशर का ये पानी देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नए सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं तब कीमत आपको कितनी पड़ने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आजकल आप अच्छी क्वालिटी का पैनल लेंगे तो 3230 रुपये से लेकर के 3500 रुपये वाट तक आपको मिलता है। इसमें आप देखेंगे तो लगभग अगर आप 3 kW पावर लगवाते हैं तो लगभग 1 लाख के आसपास आपके पैनल यहाँ पर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप ड्राइव और मोटर लेते हैं दोनों, तो मैंने जैसा ही बताया 35-40 हज़ार के अच्छी क्वालिटी की ड्राइव और मोटर आपको मिलेगी, जो जिनके पैरामीटर एकदम सेट आपस में बैठेंगे और पानी भी वो ज़्यादा देगी। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, लोगों ने ड्राइव कहीं से ले ली, मोटर कहीं से ले ली, फिर वो कहते हैं यार भैया पानी कम दे रही है। तो दोस्तों उसमें क्या है कि पैरामीटर आपस में सेट नहीं बैठ पाते, उनको सेट करना पड़ता है तब जाके आपका पानी बढ़ता है। या कुछ मोटरें ऐसी होती हैं जो लाइट से ही चलती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उनको हैवी करंट चाहिए होता है, ज़्यादा एम्पियर चाहिए होते हैं, तो उस केस में भी दोस्तों आपको पानी कम मिलता है। और ये जो लुबी का MDA 353 मॉडल है दोस्तों, ये लो एम्पियर लेकर के चलता है। मैंने कई बार इसके बारे में बताया कि आप इसको अगर स्टार में चलाते हैं तो कितना करंट लेता है और डेल्टा में चलाते हैं तब कितना लेता है। स्टार में चलाते हैं तो दोस्तों मैंने बताया था कि आपको ऐसी 4 एम्पियर के करीब लेता है और डेल्टा में चलाते हैं 7 या 8 एम्पियर लेता है। उतने एम्पियर हमारे पैनल से आराम से आते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब एम्पियर इसके बढ़ेंगे तो वोल्ट कम हो जाएंगे और जब एम्पियर इसके कम होंगे तो वोल्ट बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इसको 220 वोल्ट में चलाएंगे तो ये लगभग 8 एम्पियर के आसपास लेगी, और जब आप इसको 450 यानी 420 वोल्ट में चलाएंगे तो 3.5 से 4 एम्पियर ये मोटर लेती है। दोनों ही स्टार डेल्टा में ये चल जाती है और बहुत शानदार काम करती है। डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोलर कितना दे रहा है, 220 वोल्ट निकाल रहा है या 440 वोल्ट निकाल रहा है। स्पेशली दोस्तों 3 HP तक के जो पंप आते हैं वो 220 वोल्ट में ही आते हैं, तो बहुत शानदार इससे काम करते हैं। वहीं आप इसका ट्रॉली सिस्टम बनवाएंगे दोस्तों, तो ट्रॉली सिस्टम के साथ जो इसकी कीमत है वो आपको 2 लाख प्लस पड़ जाती है, लगभग 2.25 लाख के आसपास ट्रॉली के साथ 3 HP का पंप आपको नया पूरा सिस्टम पड़ जाता है। वहीं पे आप अगर सेकंड हैंड इसको लेते हैं तो दोस्तों वो आधी कीमत में आपका हो जाता है। यानी अगर आपको 1.5 लाख का नया सिस्टम बैठता है तो 80-90 हज़ार में आपको सेकंड हैंड पैनल के साथ पूरा सिस्टम आपका चालू हो जाता है। और रही बात दोस्तों दूसरी चीज़ के, आजकल लोग कहते हैं कि नया पुराना, दोस्तों अगर आप पुराना लेते हैं कहीं, क्योंकि मार्केट में आजकल पुराने पैनल आ गए हैं जो 1.5-2 साल या 3 साल चले हुए होते हैं लेकिन वो करंट पूरा निकालते हैं, उस केस में वो पैनल जो है आपको सेकंड हैंड जब आप जाते हैं दुकान पे तो आधी से भी कम कीमत में, आधी कीमत में मिल जाता है। तो वो भी आपका ऐसा ही काम करता है जैसे नया सिस्टम काम करता है। उस तरीके के कई सारे पंप हमने लगाए हैं, हमारे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों किसी को भी अगर पंप लगवाना हो तो नंबर पिछली वीडियो में बताएं, इसमें ही बता देता हूँ। नंबर है हमारा 95-698-98-337। इस पर आप कॉल करें और इसके बारे में आप जानकारी लें। दोस्तों अगर आप ठीक करवाते हैं अपने समरसिबल की जगह मोनोब्लॉक, उसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।